तो इसके टांगों में टांग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, एकदम भले चंगे से होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का, 10 बज चुका है। 10 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता है आज ना खाना 8 बजे ही बन गया था, 7:45 बजे सब्जी रोटी बन गया है। बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड जी भी गए ड्यूटी, सूरज भी गया ड्यूटी, सब लोग गए। और एक यहाँ हिल रही है ना, दीपिका है। और ये पहले ही बोल रही है वीडियो शुरू करना, मगर मेरे बारे में मत बताना कि दीपिका छुट्टी कर दी है। सब लोग कहेंगे ना कि दीपिका कितना छुट्टी करती है, तो इसको ना लूज मोशन हो रहा है, इसलिए मैं छुट्टी करवाई हूँ। और कल ना स्कूल में ग्राउंड नया नया बना है, तो वहीं पे खूब कूदी है, तो टांगों में ना दर्द हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और आज ना मुझे बहुत सारा काम है, दिन है बुधवार तो बहुत सारा काम है। दिन है बुधवार इसलिए नहीं काम है, ऐसे ही एक्स्ट्रा काम है। तो मैं सुबह नाश्ता पानी कर ली हूँ अभी, बस जस्ट चाय वाय पी करके। और मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट में और पहले करती, मगर हस्बैंड जी थे ना इधर उधर, वो डोल रहे थे। मैं बोली ये चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं अपना वीडियो शुरू करूंगी, तब जाकर के ना तसल्ली से मैं वीडियो भी बना पाती हूँ, नहीं तो ये लोग बनाने भी नहीं देते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घर की साफ सफाई में, आज बस सुबह के टाइम एक बार नहा ली हूँ, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि बाथरूम की जो है ना एकदम डीप क्लीनिंग करनी है, दीवार वगैरह सब क्लीन करना है, और थोड़ा सा किचन वगैरह का भी अभी काफी सारा काम है, तो सब करूंगी। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और घर में झाड़ू नहीं लगा है, मतलब सुबह लगाई थी, उठी थी ना तो बाहर का जो एरिया था उतना मैं लगाई थी। और आज मैं सुबह 6:30 बजे से भी थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम हो गया था तब उठ पाई थी। पता है क्या कारण क्या है? रात में ना मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, मुझे नींद आ रहा था रात में 10 बजे तक, मगर फिर ये आए 11 बजे। तो बस वही है, एक बार जब नींद टूट जाता है ना तो फिर दोबारा नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोई 1:30 बजे या 1:45 बजे तक ऐसे सोई, तो बस सुबह नींद नहीं खुल रहा था, फिर मैं जबरदस्ती उठी और बाहर के एरिया में ही थोड़ा सा झाड़ू लगा करके नहाकर पूजा करके खाना बनाने लगी। और अभी मैं फिर से एक बार नहाऊंगी, बाल में तेल भी लगा हुआ है, हेयर वॉश भी करने हैं। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रही, और जो लोग चैनल पर नहीं है ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है गाइस, तो प्लीज आप सब लोग सपोर्ट करें। और आज ना मुझे वो मग्गा भी तांबे वाला मांजना है पीतांबरी से, ताकि चमक जाए, ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे कितना गंदा है, मगर बहुत जल्दी काला हो जाता है। तो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में। ये दीपिका कैसे लेटी है? पता है जरा सा भी हिल रही है ना, तो इसके टांगों में टांग में हिल रही है, चिल्ला रही है मम्मी मम्मी। और कूदेगी, और कूदेगी है ना, कान पकड़ के नहीं कूदूंगी, कान पकड़ वाह हटा फटा काम करना जल्दी। ये देखिए गाइस ऐसे काम होगा, ये पकड़ कर हट जा जल्दी काम कर। और वो अलमारी पर का पर्दा थोड़ी हूँ ना, तो अभी सूख जाएगा, थोड़ा सा और सूखना है, सूख जाए उसके बाद सारे जगह पे पर्दा वगैरह लगाऊंगी। हट जा दीपिका। तो गाइस यहाँ पे लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में, आज जो साफ सफाई वाला काम है ना बहुत ज्यादा है, सारा दिन बिजी ही रहने वाली हूँ मैं। और अभी चटाई वगैरह नीचे से तो फोल्ड कर दी हूँ, सुबह बस मैं बाहर के एरिया में झाड़ू लगाई थी, अंदर नहीं लगाई थी। और ये चद्दर वगैरह झाड़ करके रख दूंगी, मगर चद्दर अभी डालूंगी नहीं क्योंकि बेड में से कुछ सामान निकालना है, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि ना बार बार बिछाना और हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और यहाँ मैं और दीपिका दोनों लोग मिल करके, दीपिका भी हेल्प करवाई थी थोड़ा बहुत क्योंकि इसका तबीयत खराब था, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करवा रही थी। और उसके बाद ना मुझे किचन की भी काउंटर की वगैरह की डीप क्लीनिंग करनी है अच्छे से, जो साफ सफाई बोलते हैं ना, एक तरीके से दिवाली वाले जैसा साफ सफाई हो गया था। तो अभी मैं अंदर वाले कमरे की सारा सामान वगैरह सेट करूंगी, और जितना हो सकता है कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, और बच्चों को लेने भी जाना है स्कूल, उससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए काम खत्म टाइम से। और अभी अंदर कमरे की झाड़ू लग चुकी है, बाहर जीने पे लगा रही हूँ। और पता है ये घर किराए का ही है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ सुथरा रख पाऊँ। और 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि किचन का जो स्लेब है आपका मैसी है, गंदा है, मगर मैं बता दूँ किचन का जो स्लेब है ना वो मैसी नहीं है, गंदा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो टाइल्स है, पत्थर जो मार्बल लगा हुआ है ना, उसका कलर ही वैसा है। और जो पहले इसमें किराएदार रह करके गए हैं, पता ना वो साफ सफाई किए कि नहीं, भगवान जाने, मगर थोड़ा सा गंदा है। मैं मानती हूँ कि हाँ गंदा है, नीचे का जो स्लेब है वो, उसको मैं छुड़ाने की बहुत कोशिश की हूँ कि साफ हो जाए, मगर नहीं होता है। तो अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, अगर अपना घर रहता है तो उसमें हम अपने मर्जी से कुछ करवा सकते हैं, मगर किराए के घर में ना कभी कभी बहुत कुछ सोचना भी पड़ जाता है गाइस, तो आप लोग समझ सकते हैं, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे।
और सभी लोग समझते हैं, बस वैसे ही कुछ होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अभी किचन में से सारा सामान निकल करके बालकनी में रखूंगी, क्योंकि किचन की करनी है सफाई। और मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि सारा जितना भी घर का कोना कोनी है ना, एकदम चमकते रहे। मुझे गंदगी की बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। और अभी ना यहाँ पे मैं किचन का जो काउंटर है उसको क्लीन कर रही हूँ, वीम लिक्विड डाल करके अच्छे से जूने से धोऊंगी। और आप लोग ने खुद ही देखिएगा, कितनों भी मैं इसको साफ कर दूंगी, कितना भी रगड़ दूंगी, मगर फिर भी इस पे धब्बा धब्बा दिखता ही है। और देखने से ही पता चल रहा है कि मार्बल में डिजाइन बना हुआ है, दो कलर का इसमें लगा हुआ है। तो भाई अब कोई सफाई तो नहीं दूंगी, बस समझ जाइएगा आप लोग। तो बस यहाँ फटाफट सफाई कर रही हूँ, और दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि कहीं स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, बच्चों को लेने भी जाना होता है। तो फटाफट काम कर ले रही हूँ, आप लोग बने रहिए अभी ब्लॉग में गाइस। अभी किचन की सफाई भी हो चुकी है, और पता है मैं बालकनी में कपड़े वगैरह और डब्बा डब्बी जो भी रखा हुआ था आप देखे होंगे, तो वो सारा क्लीन हो गया है। अब मैं पोछा लगाऊंगी, तो पोछा लगाने से पहले जो माउथ वॉश है उसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर पानी गिरता है ना। तो मैं पोछा लगाने से पहले ही माउथ वॉश क्लीन करती हूँ, ताकि जितना भी पानी वगैरह गिरे पोछा लगाते समय साफ हो जाएगा। और आज मैं पोछा हाथ से ही लगाऊंगी, पानी में सर्फ डाली हूँ क्योंकि लाइजोल जो है वो खत्म हो चुका है, लाना है। तो सर्फ डाल करके अच्छे से पोछा लगा दूंगी, अच्छे से मतलब हाथ से अच्छे से साफ हो जाता है। वाइपर से ना उतने अच्छे से नहीं होता है, मगर हाथ से ज्यादा अच्छे से हो जाता है साफ। और अभी अंदर बेडरूम में भी पोछा लग चुका है, बाहर केरी में भी आधा तक लग ही गया है, और बस जितना बाकी है उतना मैं पोछा लगा रही हूँ। और पूरे फ्लोर पे पोछा लगाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, वीडियो तो खैर 9 या 10 मिनट का होता है, मगर ये वीडियो में कितना भी क्लिप कैंसिल कर रही थी, मतलब डिलीट करते करते तब रख पाई हूँ, नहीं तो 1 घंटा का और 35 मिनट का 36 मिनट का ऐसे वीडियो होता है, तो उसको एडिट करके 9 मिनट या 10 मिनट का हो पाता है। और देखने में लगता है कि इजी रहता है, मगर जो लोग करते हैं ना उन्हीं को पता चलता है कि हाँ कितना इजी है। और पोछा लग चुका है गाइस, अभी मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, यानी कि बाथरूम की दीवारें वगैरह जो भी है एकदम अच्छे से चमकाना है, साफ करना है, तो वही मैं कर रही हूँ। और करने के बाद नहा लूँगी, मतलब बाथरूम क्लीन करने के बाद नहा लूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल जाने से पहले 10 मिनट पहले ही मेरा सारा काम खत्म हो गया था, नहा ली थी। तो अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।